इसमें रखना नहीं। अच्छा, आज जो हमने फंक्शन सीखना है वो टेक्स्ट टू कॉलम। अगर आप टैब में देखें, दिस वन इज योर होम टैब, और जब हम डेटा टैब में आते हैं तो सी दिस टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है ना। स्प्लिट अ सिंगल कॉलम टू अ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स। एक कॉलम को आप इसका डेटा आप मल्टीपल कॉलम्स में शिफ्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि जी ये कुछ मेरे स्टूडेंट नेम्स लिखे हुए हैं और मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सारे डेटा को, देन आई क्लिक टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। देन डीलिमिटेटेड, डीलिमिटेड पे हमने नेक्स्ट किया, ओके। क्योंकि इन नामों को हम फर्ज करें सेपरेट करना चाहते हैं थ्रू स्पेस से, तो हम यहाँ पे स्पेस को चेक ऑन कर देंगे। इसका कॉमा, सेमी कॉलन्स, इन पे भी आप कर सकते हैं और अदर्स पे भी आप कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट मैं इसको करता हूँ, क्योंकि हमने सेपरेट करना है इसको विद स्पेस। डेस्टिनेशन आपसे मांग रहा है, किस लोकेशन पे आप चाहते हैं कि इसको सेपरेट किया जाए। तो लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जी मैं C3 से शुरू कर दूँ इसको, ओके देन। तो मैं इसको C3 $C$3, इसने इसको ले लिया, देन आई क्लिक फिनिश। तो आप देखें कि ये इसने स्पेस जिसके दरमियान था उसको अलग अलग इसने सेपरेट कर दिया, ओके ना। अगर मैं सिमिलरली ये है, ये एक डेटा है, इसको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ और एट द रेट जो है एट का निशान लगा हुआ बीच में, रेहान एट रेट एट अली, ठीक है ना, इनको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, देन आई क्लिक ऑन टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड नेक्स्ट, ओके। क्योंकि अब मुझे स्पेस पे नहीं करना, तो ये सिंबल भी नहीं है यहाँ पे ऐड का, तो मैं अदर्स पे करूँगा और ऐड जो है शिफ्ट टू से मैं लगा दूंगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स नेक्स्ट करेंगे हम इसको, लोकेशन आपसे मांग रहे हैं, तो लोकेशन हम इसको कौन सी दे देंगे, लेट सपोज इसी के सामने अगर हम दे दें, दैट इज C14 दे दें अगर, और देन आई क्लिक फिनिश। तो आप देखेंगे कि इसने सेपरेट कर दिया और एड का सिंबल जो है वो बीच में से गायब कर दिया, वो रिमूव हो चुका है एड का सिंबल, ठीक है ना, ओके। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ और इसमें अगर हम देखें, तो इसका जो सेपरेटर है वो एम्परसन है। इसको भी हम अगर सिलेक्ट करें और सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, देन टेक्स्ट टू कॉलम, इसको भी हम लिमिटेड कर देंगे और इसकी जगह पे हम कुछ और लगा देंगे, ठीक है ना। वो हमारा शिफ्ट 7, ठीक है ना, एम्परसन लगा दिया हमने, देन क्लिक नेक्स्ट। इसकी भी हम लोकेशन बताना चाहें तो हम इसको लोकेशन बता दें, वरना वो इसी कॉलम से इसको सेपरेट कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको चाहता हूँ कि जी लोकेशन हम इसकी दें, लोकेशन हम इसकी दे दें दिस वन, यानी कि C25 हमने दे दी, देन फिनिश, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इसने एम पर्सन को बीच में से हटा दिया, और एम पर्सन सेपरेटर था, इसको सेपरेटर को बीच में से इसने हटा दिया, ठीक है ना। फर्ज करते हैं अगर हम इसी डेटा को अगर हम लें,
टेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट, और ठीक है ये पर्सन नेक्स्ट, और ये लोकेशन में कह रहा है $A $25, यानी यहीं से वो चाहता है कि पूछ रहा हमसे कि क्या इसी पोजीशन से कर दूं, और अगर हम इसको फिनिश कर देते हैं तो लेट्स सी देखें क्या होता है। ठीक है, तो उसने उसी जगह से इसको पहले से रेहान कर दिया और एम परसेंट लगा के दूसरे कॉलम में अली कर दिया इसने। ठीक है ना, तो इस तरह से भी ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अगर मैं चाहूँ कि जी अपनी मर्जी की मैं कोई वर्ड लेना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ और यहाँ पे आपके लिए इसको पेस्ट कर दूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ओके ओके ना, तो इस तरह देखिए हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं सारे डेटा को, टैब टू कॉलम पर आते हैं, फिक्स विड्थ पे आ जाते हैं अगर। ठीक है, फिक्स विड्थ क्या करते हैं हमारे लिए, देखिए नेक्स्ट। अच्छा, अब आपने आपने देखा ये एक मेजरमेंट टाइप आ गया, एक रूलर टाइप आ गया यहाँ पे। फर्स्ट करें मैं चाहता हूँ कि जी मैं शुरू के दो लेटर्स से सेपरेट कर दूँ इसको, ठीक है, या इसको मैं यहाँ से सेपरेट कर दूँ, तो आप आसानी दो कॉलम्स में इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो मैं इस लाइन पे रख के डबल क्लिक करूँगा तो दिस लाइन भी रिमूव। तो ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि जी शुरू के दो जो लेटर्स हैं वो सेपरेट हो जाएं, बाकी के अलग सेपरेट हो जाएं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट मैं करता हूँ इसको, तो आपसे लोकेशन पूछ रहा है। लेट्स से मैं इसको लोकेशन ये दे देता हूँ, दिस वन। ठीक है ना, देन आई फिनिश इट। तो आप देखें कि शुरू के दो लेटर्स इसने अलग कर दिए और बाकी के इसने अलग कर दिए। तो आप इसको अपनी मर्जी से भी सेपरेट करवा सकते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें इसी को हम डेटा को सेलेक्ट करें और टेक्स्ट टू कॉलम फिक्स विड्थ नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं दो कॉलम में कर दूँ, तो शुरू के दो मैंने अलग कर दिए और इसको फर्ज करते हैं यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसको लोकेशन हम दे देते हैं फिर से यहाँ से हम करना चाहते हैं, देन फिनिश। तो ये मल्टीपल कॉलम्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।